तो कहती है कि आदिल रंजन जी ने माफी मांगी, वो स्वयं कहते हैं कि मैं माफी क्यों मांगू। और उनका जो वक्तव्य है, जो वक्तव्य हम सब ने गैर से गौर से सुना, उस वक्तव्य में भी वो कहते हैं और एक प्रकार से इस उच्च पद को बांटने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि राष्ट्रपति जी कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे आदिवासी हो। मैं समझता हूं ये फिर एक बार कांग्रेस की सोच दर्शाता है कि वो किस प्रकार से हमारे जनजातीय भाई बहनों को किस नजरिए से देखते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि मैंने अचानक एक बार, भाइयों बहनों हम सबने सुना कि वो पहले राष्ट्रपति कहने के बाद बहुत सोची समझी नीति के तहत उन्होंने दो बार रिपीट किया, एक बार नहीं दो बार रिपीट किया। और आज तो उन्होंने इस विषय को ऐसा बना दिया जैसे कोई बवाल मच रहा है। बार बार तीन चार बार वो कहते हैं कि हम उसको बवाल मचा रहे। क्या ये बवाल का विषय है या आत्मसम्मान का विषय है आदिवासी और जनजातीय समाज के लिए, ये पूरा देश जानना चाहते हैं और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से जानना चाहते हैं। आप देखिए कि